गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू लर्न हिंदी स्टैंडर्ड 4। सो लास्ट टाइम मैंने जो ये चैप्टर नंबर हमारा 3 जो है गिनती वो स्टार्ट किया था। ओके, तो आई होप आप सबने ये जो अभ्यास 4 वाला जो है वो 1 से 20 तक गिनती जो मैंने आपको होमवर्क दी थी अच्छे से आपको लिखनी थी और रीड भी करनी थी, आप सबने अच्छे से किया है। आज हम अभ्यास 5 से स्टार्ट करेंगे। गिनती के अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए, यानी कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे पेज नंबर 13 पे अंक में और शब्द दोनों में गिनती 1 से 20 तक दी है, लेकिन आपको उसके बाजू में ब्लैंक भी दिया है, तो आपको सिर्फ देख देख के उसमें लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बता रही हूँ। ओके, चलो तो पहले दिया है अंक में 1, तो हम लिखेंगे 1। उसके बाद शब्द में 1, तो लिखेंगे 1। ओके, उसके बाद 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद 4, यहाँ पर लिखेंगे 4। उसके बाद 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद 6, यहाँ पर लिखेंगे 6। उसके बाद 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। ओके, तो ये जो है मैंने आपको बताया एक लाइन लिख के कैसे लिखनी है देख देख के, वैसे ही आपको 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तो ये सारे जो है आपको देख देख के कंप्लीट करने हैं विद गुड हैंड राइटिंग, और आपको बोलते भी जाना है जैसे कि आपका ये जो गिनती है वो आपको याद रह जाए अच्छे से। उसके बाद देखते हैं अभ्यास 6। गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को कांटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। तो पहले हमने लास्ट लेक्चर में भी ऐसा एक पिक्चर वाला किया था, अभी भी हमें ये गिनती बोलते जानी है और ये जो डॉट्स जो है उसे ज्वाइन करना है। तो चलो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आपको ये अच्छे से देखना है, फिर आपको घर पे इसे देख देख के बोलते भी जाना है और ज्वाइन भी करते जाना है। तो फर्स्ट है 1, 1 से स्टार्ट करेंगे हम, तो 1, 1 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम 2 पे, ओके 2 हो गया। उसके बाद जाएंगे 3, 3 से जाएंगे 4, 4 से जाएंगे 5, 5 से जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। हमने ये जो पिक्चर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो कैसा बना है ना। फिर से मैं गिनती बता दी हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये जो है वो आपको घर से स्केल से करना है ताकि बहुत अच्छे से हो। ओके, और ये जो ड्राइंग है वो आपकी कैसी बनी है वो आप देख सकते हो, आपको गिनती बोलते बोलते आपको ये जो क्रम है वो आपको जोड़ते जाने हैं। तो ये जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। उसके बाद है उसकी एक्सरसाइज दी हुई है। ओके,
कि गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। तो हमें यहाँ पे अंक दिए हैं और बाजू में ब्लैंक्स है और उसके बाजू में शब्द दिए हैं, लेकिन वो शब्द जो है वो सही नहीं है। हमें उन शब्दों में से सही शब्द चुनकर अंकों के बाजू में लिखने हैं, अंकों के सामने लिखने हैं। तो चलो हम वो कर देते हैं। तो पहले कौन सा अंक लिखा हुआ है? दो। तो यहाँ पे दो कहाँ पे लिखा हो? ये रहा दो, तो हम लिखेंगे दो। उसके बाद है तीन, तो यहाँ पे है तीन। उसके बाद पाँच, तो कहाँ पे है? ये रहा पाँच, तो यहाँ पे लिखेंगे पाँच पाँच। उसके बाद है छः, तो लिखेंगे छः। उसके बाद है नौ, तो ये रहा नौ। उसके बाद है सत्रह, तो ये यहाँ पे लिखे ये रहा सत्रह, यहाँ पे लिखेंगे सत्रह। उसके बाद है अठारह, तो ये रहा अठारह, तो ये रहा अठारह, लिखेंगे यहाँ पे अठारह अठारह। उसके बाद है उन्नीस, तो ये रहा उन्नीस उन्नीस। ये जो है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज स्वाध्याय की जो प्रश्न नंबर एक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, तो फिर से देख लेते हैं। दो तीन पाँच छः नौ सत्रह अठारह और उन्नीस। उसके बाद है प्रश्न नंबर दो, रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक भरिए। अभी आप फोर्थ स्टैंडर्ड में हो तो आपको संख्या अंक तो याद रह ही गए होंगे, शब्द तो साइड पे रखते हैं लेकिन नंबर्स तो आपको याद रह ही गए होंगे। तो चलो हम अंक भरते हैं। ओके, तो क्या दिया है? एक, उसके बाद दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस। ओके, तो ये जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में शब्द की गिनती। अभी यहाँ पे ऊपर हमने किस में लिखा? अंक में, और नीचे हमें कंप्लीट करना है शब्द में। तो फर्स्ट दिया है हमें एक, उसके बाद लिखेंगे हम दो तीन चार, उसके बाद पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह दिया है बारह तेरह चौदह पंद्रह, उसके बाद है सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस। ओके, तो ये हमारा हो गया शब्दों का भी कंप्लीट। आप देख सकते हैं कि ये अंक और शब्द दोनों का कंप्लीट हो गया है। सो किड्स, हमारा ये जो चैप्टर नंबर थ्री है यहाँ पे ख़त्म होता है। और लास्ट में क्या दिया है देखते हैं, हार्ट का सेल है, यानी कि यहाँ पे हार्ट दिया हुआ है। देखो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, एक दो तीन चार है, तो जाओ मिठाई खाओ। पाँच छः पैसा नहीं है पैसा लाओ। सात आठ नौ निशानेबाजी जीत गए एक और बारी लो। दस ग्यारह बारह पर जाओ बारह तेरह गुब्बारा खरीदो चौदह
पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस गेट बंद है, दो बारी छोड़ो, खो गए। यहाँ पे सत्रह में क्या है, खो गए पुलिस वाले के पास जाओ। आपको पता है कि हम जो है वो वेकेशन में खेलते हैं ना, नया व्यापार, आपको पता है ना वो हम खेलते हैं, वैसा ही है ये। तो एक से बीस तक गिनती दी हुई है, तो आपको उसमें जो पासा बनाना है वो कैसे बनाना है, यहाँ पे लिखा है कि माचिस की तीन खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखे हुए आपस में चिपका ले, उस पर रंगीन कागज़ चिपका कर उसकी अलग अलग सतह यानी कि उसकी जो सरफेस है अलग अलग सिक्स साइड्स, ओके। तो ऊपर आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखने हैं। आपको पता है जैसे आप खेलते हो लूडो में, तो उसमें जो साइड्स होती है तो एक साइड पे 1 डॉट होता है, दूसरी साइड पे 2, तीसरी साइड पे 3 3 4 5 6 6 तक डॉट होते हैं, वैसे ही आपको इसमें नंबर लिखने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो ऐसे ये पासा बनाना है आपको माचिस की डिब्बियों में से, अगर आपके पास है तो, नहीं बनाओगे वैसे ही खेलोगे तो भी अच्छा। तो ये सिर्फ आपके खेलने के लिए है, ओके। तो आप ये खेलने की ट्राई करना, मज़ा आएगा, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये जो अभ्यास 5, 6, 7 और स्वाध्याय में प्रश्न 1, 2 और 3 जो है आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।